ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 रोटेशनल मोशन पे बेस्ड है। अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग मोशन, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन अ बॉडी प्रोसेस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के, ट्रांसलेशनल जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा उसका रेशियो किसके, के टोटल लिख लो या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों, या के टी लिख लो, सबसे सिंपल के टी का रेशियो अपने को फाइंड करना है। किसका, के टी ए टोटल है, ए टी कैसा है, टी टोटल वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस ए ही हमें आंसर फाइंड करना है, थोड़ा बड़ा लिख लेता, के जो है ट्रांसलेशनल का डिवाइड बाई के जो है काइनेटिक एनर्जी टोटल का, इसका हमें आंसर फाइन करना है, यही वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या हमें हिंट दे रखा है, हमें दे रखा है सॉलिड स्फीयर है, तो हमें सॉलिड स्फीयर का जो हमें पता है कि 2/5 एम आर स्क्वायर, अगर आई की मैं सॉलिड स्फीयर का क्या, अगर मैं आई की बात करूं आई ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो क्या लिखूंगा 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे सिंपल आप क्या कर लो, इसको अगर किसी भी जनरलाइज के लिए देखा जाए तो हम आई जो सी एन लिखते हैं किसके क्या लिखते हैं, सी एन आई सी एन इज इक्वल टू एन एम आर स्क्वायर, यहां से हमें आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहां से अगर मैं एन की वैल्यू कंपेयर कर लूं, तो एन की वैल्यू कंपेयरिंग विद फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों को कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, और यहां से एन की वैल्यू निकाल लो, एन की वैल्यू क्या हो गई 2/5, सिंपल तरीका है। बाकी दो तीन तरीके, एक तरीका और करने, लेकिन ऐसे अगर करते हैं आई सी एन एन एम आर स्क्वायर करते तो आसान हो जाएगा। तो एन की वैल्यू 2/5, अच्छा एन की वैल्यू 2/5, अब क्या करना अपने को, हमें इसका रिलेशन हमें डायरेक्टली होता है के ट्रांसलेशनल डिवाइड बाई के टोटल इज इक्वल टू जो होता है क्या होता है 1/(n+1), ए रिलेशन होता है इनके बीच में, बस इसमें वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके वैल्यू आ जाएंगे 1/(y), ये कितना है 2/5 + 1, इट मीन 7/5 ऊपर जाएगा, तो 1 × 5/7, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका आंसर जो आ गया 5/7, ठीक है, ये आपका आंसर है 5/7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखे 5/5 रेशियो 7, ठीक है, जो भी ऑप्शन है 5/7 इज द करेक्ट ऑप्शन।